Hello students, welcome in my channel. Today we will start the next term, polynomials. Polynomials में दो main चीज होता है, constant and variables. Constant a symbol having a fixed numerical values is called constant, यानी जिसका numerical value fixed हो, for example 2, 3, 1, 5, 6, negative भी हो सकता है, यानी constant का value fixed होता है. दूसरा चीज हो गया variables, a symbol which may be designated different numerical values as x, y, z, p, q, r, a, b, c, etc. यानी जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, इसे a, b, c, x, y, z, p, q, r, m, n इत्यादि लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते. नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाई सम आर ऑल ऑपरेशंस प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवीजन, यानी जो मैथमेटिक्स के फोर सिंबल हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, इन सिंबल से जो कनेक्शन बनता है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के साथ, उनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स आर यू कैन से एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इट मीन नाउ हियर यू कैन सी द कॉन्स्टेंट, यू कैन टेक 2, 3, 4, -1, -3 एटसेट्रा, एंड द वेरिएबल्स यू कैन टेक एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन पी क्यू आर एटसेट्रा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स. एंड नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाई द सम आर ऑल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई आर डिविजन, इनके साथ जो कॉम्बिनेशन है उसे हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. नाउ वी शुड नो दैट हियर न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल्स को यदि कनेक्ट कर दें, इट इज 2x + 1 आर 3x + 2y और -1 आर 5/2x + 1 आर 2x² - 3x + 2 एटसेट्रा, यह सभी जो है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं. अब यहां जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यू कैन सी हियर यहां जो मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशंस हैं उनके द्वारा रिस्पेक्टिवली प्लस और माइनस के द्वारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल 2x + 1 यहां देखें एक मतलब एडिशनल सिंबल यूज हुआ है यानी प्लस यूज हुआ है और इस तरह से इनमें दो टर्म्स बन गए. हियर यू कैन सी जो है यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव सिंबल यूज करके 1, 2 और 3 थ्री टर्म्स बनाए गए हैं. हियर यहाँ वन टर्म्स वन ऑपरेशन यूज किया गया है, सो हियर टू टर्म्स. यहाँ देखिए फिर 1 और 2 सिंबल्स यूज किए गए हैं, टू ऑपरेशन, तो यहाँ 1, 2, 3 टर्म्स हो गए. सिमिलरली यू कैन टेक x^4 - 3x³ + 2x² - 5y + 1. अब यहाँ देखें यहाँ माइनस प्लस यह जो है यह 4 times यूज किया गया है, एंड सो 1, 2, 3, 4, 5 हेयर 5 टर्म्स. इस तरह से हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ
वी शुड नो हियर दैट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्वेड हैव ओनली नॉन निगेटिव इंटरगल पावर्स इज कॉल्ड ए पॉलीनोमियल। यानी एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है, वह निगेटिव इंटरगल पावर्स में नहीं होना चाहिए। यानी सिर्फ जो वेरिएबल यूज हुए हैं उनमें पॉजिटिव पावर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5x² + 3x + 1 यह जो है पॉलीनोमियल कहा जाएगा। बट इफ है 5x⁻⁴-2 आर +3x + 1 यह पॉलीनोमियल नहीं है। आर 3x² - 2x आर माइनस ऐसे लिख दें -√2x + 1 यह भी पॉलीनोमियल है। बट 3x² - 2√x आप +1 यह पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ x जो है रूट में लिखा गया है, इसे पावर यहाँ पावर जो है माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो इस तरह के टर्म्स जो है ऐसे जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलीनोमियल नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह से यू कैन सी दैट 5/2x² + 3/5x - 1 यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी पॉलीनोमियल है। यहाँ जो वेरिएबल यूज किए गए हैं यह पॉजिटिव में है। बट हियर 2x + 2x² + 3x + 1 यह पॉलीनोमियल नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि इसे जब रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन में तो यह जो है निगेटिव पावर बनाएगा, अतः यह पॉलीनोमियल नहीं होगा। नाउ वन थिंग हियर वी शुड नो दैट इफ द पॉलीनोमियल इज 5x² + 3x + 1 क्या एक देखते हैं, क्योंकि यहाँ थ्री टर्म्स है। अब यहाँ जो है जो थ्री टर्म्स है तो इच टर्म का यहाँ अगर आपको कोफिशियंट फाइंड करना हो तो यहाँ जैसे x² है तो x² का कोफिशियंट 5 हो गया, x का कोफिशियंट 3 हो गया। सिमिलरली इफ है x⁴ - 3x³ + 2x² - x + 3 है। तो यहाँ देखें यहाँ जो टर्म्स हैं इनमें x⁴ इसका कोफिशियंट 1 होगा, x³ का कोफिशियंट -3 हुआ, x² का कोफिशियंट 2 हो गया और x का कोफिशियंट -1 और यह तो 3 कॉन्स्टेंट है। इसी तरह से हियर वी शुड नो अबाउट डिग्री, हियर द नेक्स्ट टर्म इज डिग्री। अब देखें डिग्री क्या है, किसी भी पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल यूज किए गए हैं उस अगर वन वेरिएबल है तो उसका जो मैक्स पावर है, मैक्सिमम जो पावर है वह उस पॉलीनोमियल का डिग्री कहलाएगा। किसी भी पॉलीनोमियल में वन वेरिएबल पर यूज्ड मैक्सिमम पावर नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। फॉर एग्जांपल अब x² + 3x + 1 यहाँ देखिए वन वेरिएबल है और यहाँ मैक्स पावर 2 है, अतः इसका जो डिग्री है इसका डिग्री 2 हो गया। सिमिलरली इफ है 3 - 2x + 5x² + x⁴ इस यहाँ भी वन वेरिएबल है और इनका जो मैक्स पावर है 3, अतः इसका डिग्री जो है वहाँ 3 हो जाएगा। सिमिलरली अब यह जो है तब है जब पॉलीनोमियल में सिर्फ वन वेरिएबल यूज किए गए हैं। अगर वन वेरिएबल यूज किए गए हैं तो जो मैक्सिमम पावर है वह पावर जो है उस पॉलीनोमियल का डिग्री कहलाएगा। बट इफ देयर आर टू वेरिएबल्स, अगर दो वेरिएबल यूज किए गए हैं
तो उस केस में या जो डिग्री है उस डिग्री को डिटरमाइन ऐसे किया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर आप प्लस एक्स स्क्वायर वाई आप प्लस थ्री है, तो इसका जो डिग्री है ध्यान दें यहां पे, इसका जो डिग्री है वह x पे पावर 2 है यानी 2, और यहाँ y चूंकि वेरिएबल चेंज हो गया 2 टाइप्स के हो गए, तो इसका भी यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ इसका डिग्री पॉलिनोमियल का डिग्री लिखने के लिए 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। सिमिलरली इफ द पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर y स्क्वायर आप प्लस 3x और माइनस 1 है, तो यहाँ जो डिग्री लिखना है ऐसे केस में डिग्री जो है यह 2 और प्लस 2 यानी इस केस में डिग्री इसका 4 हो जाएगा। इस तरह से हम जो है डिग्री को डिटरमाइन कर लेते हैं। नाउ हियर तो यहां जो है पॉलिनोमियल आप डिग्री, अब जो डिग्री के बेस पे अब पॉलिनोमियल को डिफरेंट नेम से हम जानते हैं, जैसे फर्स्ट इफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 यानी किसी पॉलिनोमियल का 1 डिग्री हो यानी उस पे मैक्स पावर जो 1 यूज किया गया हो तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, जिसे पॉलिनोमियल का डिग्री जो है 1 है उसे जो है हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 1 और 5 माइनस 3x या जो है लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। इसी तरह से जिस पॉलिनोमियल पे का डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आर एक्स स्क्वायर माइनस 5 आर 3x स्क्वायर माइनस 7 बाई 2, यह सभी जो है इनके डिग्री जो है 2 हैं, अतः इन्हें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। सिमिलरली इफ है अब जो है यदि 3 डिग्री है जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसका डिग्री जो है 3 है, मैक्सिमम डिग्री 3 है, इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और या अगर 2 वेरिएबल में लिखा हो यानी x स्क्वायर वाई आप प्लस 3x माइनस 1, यह भी जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल होगा। इस तरह से यहां जो है अब 3 से अधिक है तो उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी जिसका डिग्री 4 है उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इस तरह से अब जो है नेक्स्ट टर्म जो है हम चर्चा करेंगे। अब देखें यहां अगर जो है नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि हम आपको बताएं कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी पॉलिनोमियल्स में जो ऑपरेशंस यूज किए जाते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, लेकिन पॉजिटिव सिंबल और नेगेटिव सिंबल या जो है टर्म्स को जो है डिटरमाइन करते हैं यानी पॉजिटिव सिंबल या नेगेटिव यानी प्लस और माइनस के द्वारा जो है टर्म्स का जो है निर्धारण किया जाता है। यानी यदि जो है सिर्फ 1 टर्म्स है जिस पॉलिनोमियल में 1 टर्म्स है, फॉर एग्जांपल 5 आर 3x आर 3 बाई 2x, यह सभी जो है मोनोमियल कहलाते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ 1 टर्म्स है। इसी तरह से अगर मान लें 5x प्लस 1 है आर 2 प्लस 3 बाई 2x है या इसमें 2 टर्म्स यूज हुए हैं इसे बाइनोमियल कहेंगे, अगर 3 टर्म्स यूज हुआ है तो ट्राइनोमियल कहेंगे। इस तरह से यह जो ऑपरेशंस टर्म्स को बताता है। हियर यू कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, डिफरेंट एग्जांपल हो सकते हैं, इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं इसलिए इसे हम जो है ट्राई पॉलिनोमियल कहेंगे। नाउ यहां जो है हम चर्चा करेंगे अब नेक्स्ट जो टर्म है वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट भी जानते हैं कांस्टेंट, जैसे जो नंबर यूज किया जाता है 1 2 3 4 या सभी जो है यहाँ पॉलिनोमियल में कांस्टेंट कहे जाते हैं। कांस्टेंट कंटेनिंग 1 टर्म,
कॉन्स्टेंट कॉन्टेनिंग वन टर्म ओनली कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। यहां जो है वी कैन से हियर दैट एवरी रियल नंबर इज ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, यानी एवरी रियल नंबर इज ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, एंड वी शुड नो दैट डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। एंड अगेन जो है द नेक्स्ट द पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो, यानी ऐसा जो है पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ जीरो यूज हुआ है उसे जो है हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे या जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे, और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइनेड होता है। तो इस तरह से जो है यह जो पॉलिनोमियल के बेसिक चीज रहे पॉलिनोमियल से जो है रिलेटेड, अब इस बेसिक चीज फिर जो है वीडियो को आप देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लेकर आएंगे। Thanks. It's caught in the crossfire.